हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप नॉइस की स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करा रहे हो तो कनेक्ट नहीं हो रहा है? जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर नॉइस का स्मार्ट वॉच है, अब मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कराना चाह रहा हूं तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आप में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन में कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो और कैसे आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने नॉइज स्मार्ट वॉच को ओपन करने के लिए 10 से 15 सेकंड तक इस बटन को आपको एक प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है डाउनलोड ऐप एंड पेयर विथ डिवाइस, उसके बाद बार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको नॉइस फिट इस तरीके से सर्च कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको कोई टर्म कंडीशन अलाउ मांगता है तो इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको गूगल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गूगल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर अगर कोई परमिशन अलाउ मांगता है तो आपको अलाउ इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप स्कैन करा के अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कराना चाहते हैं तो स्कैन वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिएगा और परमिशन अलाउ मांगता है तो अलाउ इस तरीके से कर दीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको उसका नेम देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट वॉच का नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। चाहे आप स्कैन करा के करिए या तो आप उसके नेम पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेयर डिवाइस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेयरिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है और वेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है आपके स्मार्ट वॉच में, पेयर विथ डिवाइस इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ट्राई अगेन इस तरीके से फील्ड हो जाता है, काफ़ी देर हो गया होगा इसीलिए फील्ड हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही यस का बटन आता है, आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर फिर से वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद जैसा कि पेयर विद डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेयर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट यूजिंग देखने को मिल जाएगा और आपके स्मार्टफोन में भी पेयरिंग सक्सेसफुल इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटअप कोई मांगता है तो स्किप फॉर नाउ कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है क्योंकि आपका स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटअप होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। डिवाइस सेटअप सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरीके से आता है तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बीटी कॉलिंग टू यूज द बीटी कॉलिंग फ्यूचर इन द तरीके से आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने स्मार्ट वॉच के ये बटन को एक बार इस तरीके से प्रेस करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉइज बूझ करके आ जाता है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर डायलर पैड पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, 1 2 1 इस तरीके से 1 2 1 पे कॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा स्मार्ट वॉच मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करा सकते हो। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर और कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्मार्ट वॉच से अपने फ़ोन में कनेक्ट कराते टाइम। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।